इसी युद्ध करने में आमंत्रित करना चाहता हूँ अशरफ खान जी को, वो आए और हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लियाकत खान जी वकील समाज सेविका बालदर पर और पेटा बंद कर स्वागत करें। लक्ष्मण शर्मा भी साथ में आए और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। कार्यक्रम की इस योजक कड़ी में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के समाज सेवी हैं। फोटो तेरे फोन में ले ले, फोटो ले ले मशीन तेरे फोन। हमारे बीच में पप्पू सैनी भी मौजूद है, इनको भी ओम प्रकाश जी कुर्सी दो, बैठा आप बैठे कुर्सी पर, आपका भी स्वागत कराएंगे, बैठिए। पप्पू सैनी जी का हमारे यहाँ लावड़ा क्रिकेट मैदान पर स्वागत, आप बैठिए, आपका भी माल्य प्रदान स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम की इसी योजक कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई अनीस खां और राम सिंह उर्फ फेला, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाई रमजान खां डीलर का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत करेंगे। राम सिंह उर्फ फेला जल्दी आए। जैसे ही माल्यार्पण और फेटा बांधा जाता है तो मेरे भाइयों इतने सारे लोग हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, इनको लगना चाहिए कि हाँ इनका आपका इनसे दिल से लगाव है। ऋषिपाल और पटवारी तैयार रहे, इधर आ जाए। पीछे बनेगा और मोहम्मद का दोनों बैठे हैं, कृपया करके आप आगे आ जाइए मंच के ऊपर। यूसुफ और पटवारी दोनों सहभागिता के साथ में हमारे क्षेत्र के नजदीकी भाई किशोरी यादव थानेदार का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत करेंगे। लात मत दे यार। हमारे बीच इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष गुरनाम सिंह पधार चुके हैं, उनका धन्यवाद, वो सामने आए। और पीछे शौकत खान के लिए भाई लक्ष्मण शर्मा और गुरनाम सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मंच पर। अदय आओ, इसको ये हट जाएगा। पहले जुम्मा, अच्छा इससे पहले नजर थोड़ी सी रमजान से टेढ़ा हो रहे थे भाई, हमारे बीच हारून का ठेकेदार थे, उनका स्वागत के लिए गुरनाम सिंह और लक्ष्मण शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। दोनों माल्यार्पण द्वारा और साफा बनाकर हारून का ठेकेदार का स्वागत करें। जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये टूर्नामेंट आपके लिए हो रहा है, जब भी किसी का हम ये माल्यार्पण और फेटा बांध के सम्मान करें, तालियां बजा दें, ये टूर्नामेंट आपके लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। स्वागत की कड़ी में अगला नाम भाई जुम्मा खां, स्थानीय हमारे ग्रामवासी है मामला के जुम्मा खान, उनका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित ऋषि और इनका सहयोग हमारे बीच सामने आ रहा है बंटी शर्मा और पीछे कई भूतपूर्व खिलाड़ी खड़े हैं, वो भी मंच पर आ जाएंगे। आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि पीछे खड़े हो, आगे आ जाए बेटे। स्वागत की इसी कड़ी में मैं बंटी शर्मा से एक वो है कि हमारे जो इस टूर्नामेंट के जान और शान, इनके
नाम एक जोरदार ताली बजानी है। कमेंटर ओम प्रकाश शर्मा, उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत बंटी शर्मा करेंगे, क्योंकि ये हमारी टूर्नामेंट की जान और शान है। जब कमेंट्री आप देखेंगे इनकी तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कमेंट्री की याद आ जाएगी। ओम प्रकाश शर्मा हमारे बीच में इस मैच के लाइव करने के लिए तीन साथी आए, इनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। और हमारे इसके प्रेम ये राहुल गुजर तीनों का आप माल्यार्पण सम्मान करें, और प्रेम प्रजा पर दोनों आप लखन गुजर आ गए थे बेटा, आप तीनों जो मीडिया वाले इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में भूतपूर्व डायरेक्टर सुभान खां है, इनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। पटवारी आप भाई सुभान खां का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर दें। ओम प्रकाश जी हमारे कहने से मंच पर तो नहीं आए थे, बाकी टूर्नामेंट के संरक्षक की पदवी एक तरह की थीम की, इनको भी हम नचवा इसको फेंटे और माल्यार्पण दो द्वारा आपके द्वारा स्वागत किया जाएगा। लक्ष्मण दरवाले कमेटी के सभी से अनुरोध करता हूँ घनश्याम जी आप भी जाए और इनका फेंटा और माल्यार्पण का स्वागत करें, इसलिए कि हमारा आप इतने बुजुर्ग आदमी का सहयोग मिलता है इस टूर्नामेंट कराने में, आपको धन्यवाद। आप उधर के सामने मीडिया में आपका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। वो लीड दिया वाला का टीम से बात कर लेते तो बुला लिए सभी अलवर ग्रुप में सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है सभी ले लेना नंबर सवा वर्ष में कर लेना सभी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं सभी। बैनर लग रहा है ना, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है अलवर ग्रुप ऑफिशियल, और इनका सामने जहाँ पर विशिष्ट अतिथियों का स्थान है वहाँ पर इनका बैनर भी लगा हुआ है। जो भी हमारे इस गांव के खेल प्रेमी हैं जो देखना चाहें वो सामने नोट करके यूट्यूब चैनल पर हमारी प्रसारण देख सकते हैं। हमारे बीच में शौकत खान आप कहाँ पर है आगे आ जाए, इनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। और मैं अशरफ से अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष से भी उनको माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें, क्योंकि टूर्नामेंट हमें सफल बनाना है तो ऐसे इनकी भी मदद की आवश्यकता है। और अब हमारे बीच में भाई पप्पू सैनी सबसे लास्ट में, इनको माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। जोरदार ताली पप्पू के लिए, भाई बाबू ने माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर दो, बैठ जाओ अब सीट पे बैठो। अब मैं घनश्याम भाई को माइक हवाले करता हूँ आगे की प्रक्रिया के लिए। देखिए आप सभी जैसे खेल प्रेमी आते हैं, हमारे खेल प्रेमियों के लिए समर्पित करता हूँ, जरा गौर फरमाइए। रोगी को दवा चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, हमें तो वर्ल्ड कप चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलते हुए हमें वर्ल्ड कप, और सभी जितने भी यहां पे प्रतियोगिता प्रतिभागी रहेंगे वो सभी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप के विजयी बने, इसलिए खेल को खेल की भावना के साथ खेलते हुए यहाँ पर जो कि अलावड़ा गांव शांति और सभ्यता का प्रतीक है, तो यहाँ पर जो खेल है वो शांति और सभ्यता के साथ में होना चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को और यहाँ पर पधारे हुए सभी टीमों को यहाँ पर शांति और सद्भाव का संकेत भी दिखाना है, और यहाँ पर व्यवस्था का चुस्त और दुरुस्त भी आपको रखने का प्रयास करना है। कार्यक्रम की इसी योजना कड़ी में मैं लक्ष्मण शर्मा और कांति शर्मा आगे और राहुल गुजर शशिकांत सभी से अनुरोध है, आप चार साथी या पांच साथी सद्दाम समाप जुम्मा का सरपंच का सपुत्र है बीच में उनका सम्मान करें माल्यार्पण द्वारा, और एक साफा बांधकर आप सभी चारों पांचों उनका माल्यार्पण और साफा द्वारा स्वागत करें। नफीस आप भी जाए, ये साथी जो पिच के बीचों बीच खड़े हैं
कृपया करके बाहर आ जाएं, आप क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप में समझदारी है तो आप पिच के ऊपर चढ़ जाएं भाई। आसम खान लेट हो गए, नहीं थे हमारे बीच में, उनसे करवा दे जिस और हमें सब्सक्राइब कर ले, फोन ले लेके बता दे। आशीर्वाद स्वरूप सरपंच साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो दो शब्द कर लेंगे। नहीं घनश्याम, उनसे पहले आप नहीं बोल रहे हैं तो भाई लियाकत खान जी वकील साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो दो शब्द रूप में इस टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले मैं लियाकत खान को, जहाँ जिसको ये 27वीं टूर्नामेंट हमारा यहाँ होने जा रहा है, बीच में एक तो कोरोना के काल में नहीं हुई थी और बीच में दो वर्ष किन्हीं कारणों से बंद रही थी, वरना ये यथावत ये ट्रॉफी चलती आ रही है। और आपको वकील साहब मैं एक चीज और जितने मुख्य अतिथि हैं सबको जानकारी दे दूँ कि ये ट्रॉफी ईमानदारी की अपनी छवि के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध है। यहाँ टूर्नामेंट में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, यहाँ विजेता टीम कभी बिवारी की रही, कभी अलवर से, कभी हरियाणा जलालपुर का यहाँ डंका बजा था। अलावा टीम भी यहाँ 9 बार विजय ट्रॉफी हासिल कर चुकी है और लगभग 18 बार हमारी ट्रॉफी बाहर यहाँ से जा चुकी है। या किसी प्रकार की कोई बेईमानी, एक मैच आपको दर्शकों को बता दूं, यदि ये गांव ईमानदारी का नमूना पेश नहीं करता तो पिछली ट्रॉफी अलावा के नाम होती, मात्र एक 9 बॉल के कारण हम ये ट्रॉफी मैच हारे थे और एम्पायर ने ईमानदारी दिखाई और उस बॉल को 9 बॉल दिया और वही 9 बॉल से हमारी टीम मैच हार गई थी। यह ईमानदारी का नमूना होता है। और अब इस वर्ष बता दूं आपको, दिल्ली से 2 टीमों की एंट्री हमारे यहाँ आ चुकी है, खैरथल, भिवाड़ी, कामा, पहाड़ी, लगभग गुड़गावा, यहाँ अभी तक 20 टीमों की एंट्री हमारे पास मौजूद है, आ चुकी है, जिसमें आपको IPL के खिलाड़ी और रणजी के खिलाड़ी भी नजर आएंगे। रणजी से जैसे अजरुद्दीन हिमाचल से खेल चुके हैं वनडे, वो भी इस मैदान में खेलेंगे। शहबाज अहमद जो IPL खेल रहे हैं, वनडे टीम भारतीय टीम में खेल चुके हैं, वो भी इस खिलाड़ी इस मैदान पर आ चुके हैं। साबिर रणजी खिलाड़ी आगे आगे यहाँ खेल चुके हैं। ऐसे अरशद भी, एक अरशद थे वो लोहेसर, वो खिलाड़ी आ चुका है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे नाम चीन जिनका नाम इस समय अपने भारत में और राजस्थान में इनका नाम रोशन है, वो खिलाड़ी इस मैदान पर खेल चुके हैं। बाकी एक दुख की बात जो है ये है कि हमारे स्थानीय इस समय जो विद्यालय और गांव के बच्चे हैं वो लापरवाह हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि खेल के ये जिस प्रकार SC और ST का कोटा होता है, उसी प्रकार नौकरी में खेलों का कोटा निर्धारण कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसलिए आप सभी खेलें। और आपको एक चीज और बता दूं कि समय अलवर जिले में जो 17, 19, 14 तीन प्रतियोगिता जिले स्तर होती है, राज्य स्तर होती है, यदि कोई बच्चा खेले सर्टिफिकेट मेरी गारंटी है, खेलना चाहता है पूरे वर्ष मेहनत करे, एक साल में अपने स्कूल के कोई बच्चा हो यदि टीम में जाता है तो एक बच्चा हर साल स्टेट खेल सकता है, मैं दावा कर सकता हूँ। मैं स्वयं चयन करता हूँ 17 और 19 वर्ष में टीम मैं चुनता हूँ। आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं चलता है। यदि आप खेलेंगे तो निश्चित ही एक बच्चा हर वर्ष अपना राजस्थान खेल सकता है, मेरी गारंटी है, यदि मेहनत करें तो। खेले नहीं और टीम में जाए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपकी दोहराई थी कि आटे में नमक तो चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। और इन्हीं शब्दों के साथ कि गांव को विश्वास दिलाएं, हम ईमानदारी से ट्रॉफी कराएंगे। अब मैं भाई लियाकत खान जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और आसिफ साहब दो शब्द बोला। लवली क्रिकेट क्लब की तरफ से आज ये 27वीं क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है, उसके उद्घाटन समारोह में सभी अतिथि महोदय, हमारे सरपंच साहब जुम्मा खान जी, थंदार जी, किशोरी जी, रमजान जी, सभी सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी स्टाफ, आयोजनकर्ता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया और इस्तकबाल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम भी आपकी तरह युवा ही हैं
और काफी जगह खेल उनको देखने जाते भी हैं। बाकी इतना लंबा आयोजन लगातार मैंने कहीं नहीं देखा, जो 27वीं बार हो रही है, 90 से चलता आ रहा है और एक गांव के स्तर पर होती चली आ रही है। कहीं आपके खेल भावना, कहीं ईमानदारी का आप परिचय देते हो, इसीलिए इतना लंबा आपका चल रहा है। आपसे निवेदन है इसी को ईमानदारी के साथ खेल भावना से, इसमें ना कि भेदभाव अपनाते हुए ईमानदारी से कराएं, ताकि और लंबी चले और आपका अलावड़ा का नाम, आपके क्रिकेट क्लब का नाम आगे तक पहुंचे। दूसरे बात, इसको एक मनोरंजन की तरह ना लेके युवा साथी खेल के फील्ड क्षेत्र में काफी संभावनाएं करियर बनाने की भी रहती हैं, और शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं इससे। तो इसलिए क्रिकेट के साथ साथ युवा साथियों से निवेदन है कि सभी खेलों में आप रुचि दिखाएं। बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, आगे खेल के साथ साथ आप नौकरियों में भी इसका फायदा मिलता है। इसलिए सभी साथी इसको खेल भावना से खेलें, और आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जैसे भी हमारी तरफ से सहयोग है उसके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लियाकत खान जी। जैसा कि लियाकत खान जी ने बताया कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलते हुए, और चूंकि माननीय गुरु जी ने भी पहले बता चुके हैं कि अलावड़ा गांव एक अपनी साफ छवि के नाते जाने जाते हैं, इसलिए ही यहां पर 27वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। अगर यहां पर 1% भी गुंजाइश होती तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता, और आपको पता भी है, इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी ग्रामवासी जानते भी हैं कि आज हो सकता है कि हमारे खेल प्रेमियों को और गाँव से और आसपास के सभी ग्रामवासियों को सूचना नहीं हो, सूचना हो तो उनको कोई विशेष कार्य हो, ऐसा संभव है। लेकिन जब आप देखते हो सेमीफाइनल या फाइनल मैच आता है तो उस टाइम यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित होते हैं और एंजॉय लेते हैं। और आपको पता है कि यहाँ का जो खेल है, खेल जैसा बजरा मास्टर जी ने बताया कि खेल की वजह से स्पोर्ट्स कोटा होता है विद्यार्थियों के लिए। आज स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट ने भी प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए स्पोर्ट्स कोटा फिक्स कर रखा है। अगर कोई भी विद्यार्थी क्रिकेट में या किसी भी प्रकार के खेलकूद में आगे जाता है तो उनके लिए बेहद आसानी रहती है और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का हर व्यक्ति, एक छोटे से छोटा नन्ना मुन्ना जो खिलखिला टोटी थानेदार किशोरी जी, वो भी दो शब्द कहें, वो थानेदार जी वैसे ही यहाँ की गांव की जनता को और यहाँ पर टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी अल्प संख्या में बोल दिया कि मैं चाहता हूँ धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी योजक कड़ी में मैं चाहता हूँ कि भाई रमजान खान जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए सभी खेल प्रेमियों को और यहाँ पर उपस्थित नौजवान और बुजुर्ग साथियों, छोटे छोटे बच्चों को भी आग्रहित और बच्चों को खेल से संबंधित कुछ बातें बताएं। उनकी तरफ से भी यहाँ पर सभी टीम को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोला जा रहा है। अब सॉरी 27वीं क्रिकेट प्रतियोगिता में 1100 रुपए की अनुदान राशि का मुनीम समय सिंह भट्टा वाले देते हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया और धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वो अनुपस्थित है कि निकालने से यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, भगवान उनकी कमाई में अभा फरमाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वर्तमान सरपंच जुम्मा खान जी को, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कबूतर उड़ाकर इनका स्वागत करेंगे। भाई जुम्मा खान जी आए और कबूतर उड़ाकर इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। मास्टर यहाँ आओ।
दोनों परदेशी है, ध्यान रखा जाए। लैपटॉप वगैरह हाँ चल रहा है। हाँ ये लोग साहब अपने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ की पहली कड़ी शुरू हो चुकी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे कार्यक्रम की दूसरी कड़ी फीता काटकर स्वागत करें। जितने भी टीम मेंबर है ना, 1100 रुपए की अनुदान राशि थड़ेदार जी इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए देते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया मुख्य अतिथि और अतिथि को पीछे पीछे नहीं है, साइड में होकर देख लें, इससे कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है। सम्मान्य ग्रामवासियों से कि वो थोड़ा सा ऐसे दिखने में क्या काट कर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है भाई जुम्मा खान जी के हाथ में कैच आ चुकी है, फीता काटकर स्वागत कर दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया जाए। इस कार्यक्रम के लिए 500 रुपए की राशि खिल्लू के पिताजी वो भी देते हैं, उनका भव्य दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोई सा बालक या खाली डब्बा बाहर फेंके यार, जर जा अरे भीड़ ना दिखने देना यार। कुल्लू के पिताजी पप्पू सैनी जी 500 रुपए लेते हैं, उनका भी सैनी से हार्दिक स्वागत। पीछे भीड़ हो रही है बड़ी, यहीं से बढ़ा लेगा आगे सर दे लाला। अच्छा वो बना दे यार, बना लो आप। अभी जितने भी हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। लाइव चल रहा है, लाइव नहीं, अभी नहीं अपलोड कर दूंगा इसको भाई। अरे फांस सुनेंगे रे, एक ठीक है ना मेरा केस भैया। ओ भाई छोटू छोटू फट जा। ओ अभी कोई कर दो भाई, सीन कर मारो भाई, प्लेट कर दो। हां ये बात वैसे फेंकते हैं बनू। हाँ पन्नी उठा ले मुझे लगता है कि बॉल लगकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए टिक तो गई। अरे टिक तो गई। और सरपंच जुम्मा खान जी के हाथ में बैट और साथ बॉलिंग। अजरू मास्टर जी करा रहे हैं। अच्छा